सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश नवरखेले द्वारा गर्मी के दिनों में नागरिकों की जरूरत को समझते हुए शहर में 11 स्थानों पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था कर एक अलग पहल शुरू की गई है। हिंगन घाट शहर में शहर सहित ग्रामीण अंचलों से काफी संख्या में नागरिक शहर में आते हैं। गर्मी के दिनों में कई नागरिक ठंडे पानी के लिए भटकते हैं, तब समाज सेवी अविनाश नवरखेले ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक सामाजिक उपक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शहर में 11 स्थानों पर पीने के पानी के प्याऊ स्वयं खर्च से स्थापित करते हुए नागरिकों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से स्थापित पानी पीने के प्याऊ में ठंडे पानी की कैन रखी जाती है। ये पहल स्वयं नवरखेले द्वारा चलाई जा रही है और इसलिए उन्होंने अपनी खुद के जगह में एक ठंडे पानी की परियोजना स्थापित की है। इसके लिए सुबह 5 बजे शुरुआत होती है। सुबह प्रोसेसिंग के बाद सही समय पर अपने वाहनों से शहर के 11 जगहों पर पानी पहुंचाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई इस पहल से नागरिक भी कृष्ण तृप्ति पूर्ण हो रही है। गर्मी के दिनों में शुरू की गई पहल के लिए नागरिक आभार व्यक्त करते हुए नवरखेले द्वारा शुरू की गई परोपकारी पहल की सराहना कर रहे हैं। हे मी शहरात 11 ठिकाणी लावलेले आहे, जे की सामाजिक उपक्रम म्हणून, कारण आज साधारण माणूस हा 10 रुपये 20 रुपयाची बॉटल घेऊ शकते, परंतु सरकारी दवाखान्यात येणारा किंवा तहसीलमध्ये येणारा ज्यांना जरूरतमंद राहते आणि प्रत्येक ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी लावलेले आहे त्या त्या ठिकाणी फक्त जरूरतमंद जे लोक राहते, ज्यांना गरज राहते, ज्यांच्या खिशामध्ये पैसे राहत नाही, त्यावेळेस ते पाणी थंड पाणी प्यायची इच्छा राहते पण ते बॉटल घेऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी मी हे लावलेलं आहे। आणि थंड पाणी जे कॅन आहे ते दिवसभरात कमीत कमी 100 कॅन मी रोज त्या पॅववर लावत असतो आणि या माध्यमातून मला सेवा करण्याची संधी मिळाली। हिंगणघाट शहरात तुम्ही ते करत आहे आणि ते माझे फक्त निस्वार्थ आणि सामाजिक काम असल्यामुळे मी ते सामाजिक कामाच्या माध्यमातून ते निस्वार्थ सेवा करण्याच्या मला एक संधी मिळाली ते समजून मी करत आहे। हिंगणघाट से NBCN न्यूज के लिए रवी येनोरकर की रिपोर्ट।